जैसा कि आपको मालूम है, जब से भारत में पूर्ण रूप से लॉकडाउन हुआ है, तब से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अपने मुस्तैदी के साथ अपने काम को बाखूबी तौर पर अंजाम दे रही है। अभी हम खासगंज मोहल्ला प्रशासन के द्वारा पूरे इलाके को 16 मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद सकूनत मोहल्ले को भी सील कर दिया गया है और पूरे शहर को सील कर दिया जाए। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात तो ये आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे हमारे कुछ कर्मी भी मौजूद हैं और जितने भी गाड़ियाँ आने जाने वाली गाड़ियाँ हैं, तमाम गाड़ियों को रोका जा रहा है, उन्हें चेक किया जा रहा है किस काम की वजह कर वो बाहर निकले हैं। वैसे ही लोगों को जाने दिया जा रहा है जो कोई ज़रूरी काम से निकले हैं, या फिर अगर गाड़ी पे हैं तो अगर गाड़ी का परमिट है वैसे ही लोगों को जाने दिया जा रहा है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद है, तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस रास्ते से किन किन गाड़ियों को जाने दिया जा रहा है। सर, मुख्य रूप से यहाँ से प्रशासनिक गाड़ियों का आवागमन का प्रावधान किया गया है, लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कुछ पब्लिक ज़बरदस्ती भी आने जाने का प्रयास करते हैं, जैसा कि वहाँ देखा जा सकता है। देखिए, सामने गाड़ी है, कहने के बावजूद ये लोग ज़बरदस्ती चले जाते हैं। ऐसे तो सरकारी जो यहाँ कर्मी हैं और जो सरकारी पदाधिकारी हैं उनके गाड़ियों के आवागमन की यहाँ। क्या नाम है सर? मेरा नाम अजय कुमार हुआ। अभी हमारे साथ अजय कुमार जी उपस्थित थे, देख सकते हैं अभी भी बताने के बावजूद भी कुछ गाड़ियाँ चल रही थी, लेकिन इन लोग के मुस्तैदी के बाद गाड़ियों को घुमाने का कार्य किया गया। देख सकते हैं आप, वहाँ पे कुछ कर्मी भी प्रशासन कर्मी भी मौजूद हैं और पूरे शहर को सील करने का काम किया जा रहा है। तो इसी तरह की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वक्त टीवी के साथ। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं दानिश, नालंदा।